हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा अबाउट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। सो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिससे बियॉन्ड हम अगर ट्रांसमिटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी रखते हैं तो हमें कम्युनिकेशन नहीं मिल पा रहा है, मींस रिसीवर पर कोई भी सिग्नल नहीं पहुंच पा रहा है। ओके, तो सिमिलरली एक और फिनोमेना आता है विच इज कॉल्ड मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ये जो लेयर है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर डिपेंड कर रही है। इट मींस जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डे टाइम में अलग होगी, बिकॉज जो लेयर है उसमें कुछ आयोनाइज पार्टिकल्स भी होंगे एंड आयोनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द सनलाइट, अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट। सो ऑब्वियसली डे टाइम में जैसे जैसे सनलाइट में वेरिएशन होगा उसके अकॉर्डिंगली लेयर्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में भी वेरिएशन होगा। इट मींस क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी स्लाइटली चेंज होती रहेगी, कॉन्स्टेंट नहीं होगी। सो इस वजह से हमको एक दूसरी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा कम होगी और हम ऐसी फ्रीक्वेंसी चूज करेंगे जिसको हम ड्यूरिंग द होल डे हम यूज कर सके विदाउट एनी चेंजेस। ओके, सो हाई फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल होता है, ओके, सो उसके लिए एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है दैट कैन बी यूज फॉर द कम्युनिकेशन फॉर अ पर्टिकुलर लेयर। सो फ्रीक्वेंसी जिसके बियॉन्ड विच द रेडियो कम्युनिकेशन जस्ट स्टार्ट्स टू फेल, दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। इट मीन्स अगर हमने इस फ्रीक्वेंसी से अबव फ्रीक्वेंसी किया, इंक्रीज किया ट्रांसमिटेड सिग्नल का, तो हमें कम्युनिकेशन नहीं मिलेगा। ओके, सो इट इज जनरली 3 times फॉर द एफ लेयर एंड 5 times फॉर द ई रीजन या ई लेयर। ओके, टाइम्स द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। सो इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिटिंग सिग्नल विच बिकम्स ग्रेटर दैन द मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। देन वॉट हैपन्स, द सिग्नल पेनिट्रेट्स दैट पर्टिकुलर लेयर एंड द रिसीव्ड सिग्नल बिकम्स 0। सो क्लियर है कि मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी मीन्स जो हमारी लेयर है उसके लिए एक हमारे पास एक बैंड होता है कि हम इस पर्टिकुलर बैंड में हम सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ओके, जस्ट लाइक दिस, ये हमारा ग्राउंड है, यहां हमने ये हमारी आयनोस्फेरिक लेयर्स हैं, राइट। तो इन लेयर्स में भी कि जिस लेयर्स पर्टिकुलर लेयर से हमें कम्युनिकेशन चाहिए तो वहां पर एक स्मॉल हमारे पास फ्रीक्वेंसी का बैंड होगा। तो उस बैंड में से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी जिसके बियॉन्ड अगर थोड़ा सा भी हमने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया तो हमें उस पर्टिकुलर लेयर से रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, क्या होगा, सिग्नल इस तरह से पेनिट्रेट कर जाएगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ये कहलाती है हमारी मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, राइट। और क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो लेयर की खुद की फ्रीक्वेंसी होती है जिससे बिलो हमें ट्रांसमिटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी रखनी पड़ती है। ये दोनों में डिफरेंस आता है। सो मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, दिस इज द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, 1/cos θ इज sec थीटा, विच इज कॉल्ड द MUF फैक्टर विच इज अ फंक्शन ऑफ पाथ लेंथ। ओके, थैंक यू।